छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयां, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयां। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दल दल खिलता है फिर भी कमल, हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयां, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयां। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दल दल खिलता है फिर भी कमल। I refuse to take this authority. मैं उसे इतना कुछ देना चाहती हूँ और वो है कि कुछ लेने को तैयार ही नहीं। देखे हैं वो कार्ड्स जो निकी ने तुम्हें दिए। आज मेरे एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड की पार्टी है और तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे और रणा जी के बीच की बातें वो सुने। और कैसा बिहेवियर तुम एक्सपेक्ट कर रही हो हमसे? याद है उस दिन तुम्हारी मम्मी ने हमारे साथ कैसा बिहेवियर किया? कमल ने रोधा को मना लिया। Our sweet Sarina is in love. अपुन आपको कमल देने के लिए तैयार। वो देखो आप लोग अमल को देखना चाहते थे ना? सरीनाज लव, लुक एट हिम। सरीना इसको चाहती है पर ये तो कमल के साथ आया है। हाँ यार, ऐसा लगता है कि एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। ए अमन! अरे कहाँ हो तुम यार, कब से ढूंढ रहा हो पता नहीं। अच्छा बाय द वे, दिस इज कमल, कमल दिस इज रवि, मेरे बचपन का दोस्त है। चलो चलो। Hi Nisha, Kamal, this is Nisha. Nisha, ये है कमल। जानते हो कमल, हम लोग कॉलेज में साथ में थे। Hi Sarina. Aman, can I have a minute with you? Sure. Excuse me, ladies. तुम तो कह रहे थे तुम्हें बहुत जरूरी काम है और इसलिए तो मुझे पिकअप करने नहीं आ पाऊंगी। अरे सरीना, मुझे काम ही तो था, काम खत्म करके ही तो मैं। Hi Aman. How are you? Oh, hi, how are you? I'm fine. क्या चल रहा है सर? बस कावे तुम इतने दिन। अरे मैं तो यहीं था यार, आप कहाँ हैं? मैं कितनी बार फोन किया तुम्हें ऑफिस में? तुम भी बता दो। अटेंशन अटेंशन अटेंशन, हेलो फॉक्स, लेट्स प्ले अ गेम। इस गेम में म्यूजिक होगा और लाइट, यानी कि स्पॉटलाइट, और उस स्पॉटलाइट पे इवॉल्विंग लाइट है और वो जिस पर भी जाके रुकेगी उसे इसमें ऐसे आके एक चीट उठाना है और वो सब करना है जो इस चीट में लिखा है। सो फ्रेंड्स, आर यू रेडी? म्यूजिक। Snap yourself 4 times. हाँ भाई, पूरे 4। हाँ भाई, पूरे 4 भी कम नहीं। Yay!
गुड गुड दाने बहुत अच्छे थे ना डिजर्व इट किस ऋषि सॉरी बट आई डोंट वांट टू प्ले दिस गेम एनीमोर मैं ये गेम नहीं खेल रही अमन अमन प्लीज लेट्स मूव Listen, guys, excuse me. We are getting late and I'm extremely sorry. We have to go. Chalo. Isme itna embarrassed honi ki kya baat hai? It's just a normal game. Ye sab to chalte hi rehta hai. Why should I walk out like this? Aman, party mein sabka mood kharab ho raha hai. Aur tum Kamal ko support kar rahe ho? Sarina. कमल हमारी सोसाइटी को बिलोंग नहीं करती अमन तुम करते हो तुम्हें इसे यहाँ लाने के पहले सोचना चाहिए था Why the hell did you get her? Now stop it, Sarina. Kamal is my guest and you're insulting her. और ये मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा रवि मैं तुम्हारी पार्टी में तुम्हारे कहने पे अपने गेस्ट को लेकर आया था लेकिन सबके सामने इसकी इंसल्ट होती रही और तुम चुपचाप खड़े देखते रहे एक मिनट अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकूंगा चलो कमल कमल रुक जाए यार तू इस तरह से नाराज होकर नहीं जा सकता कमल आई एम रियली सॉरी सरीना की हरकतों के लिए टीना समझाओ अपनी दोस्त को सरीना नाउ स्टॉप इट बहुत बोल चुकी तुम अब तुम कुछ नहीं बोलोगे चलो कम ऑन गाइस कम बैक टू नॉर्मल यार हैव फन एंजॉय योरसेल्फ लेट्स डांस यार म्यूजिक Excuse me. Would you like to take revenge from them? Not both of them, but of course Kamal. उसे तो मैं बता लेकर ही रहूँगी.
अब सब ठीक है ना? तो कुछ स्नैक्स लोगे? कुछ लाऊं? नहीं। हाँ, कोल्ड ड्रिंक तो लो। अब उन्हें नहीं। नहीं नहीं, मैं लेकर आऊँ। हेलो, 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 जस्ट अ सेक। हेलो। हेलो। यस। इज दिस कमल? जी हाँ, कमल बोल रही हूँ। कमल जी, आप रमा भाई की बेटी हैं? हाँ, क्यों? देखिए, मैं बैकुंठ पार्क से बोल रहा हूँ। आपके लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर? आपकी माँ का सीरियस एक्सीडेंट हो गया है। पर ये सब हुआ कैसे? हेलो, हेलो, ऋषि, तुझे लगता है वो आएगी? अरे, उस दिन उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया, लेकिन आज मेरी किस्मत मेरा साथ देगी। और उस लड़की की वजह से हम दोनों की इतनी बड़ी इंसल्ट हुई। तू देख मैं उसका क्या हश्र करता हूं। आई एम गोइंग टू टीच हर अ लेसन टुडे, और वो आज मेरे से बच के नहीं जाएगी। पर यार, सरीना का क्या करें? अरे, तू उसकी फिक्र मत कर, मैं उससे भी कोई ना कोई डोज दे ही दूंगा। सामा, ऋषि, come on, tell me यार, प्लान क्या है? हमने कमल को यहाँ फोन करके बुला तो लिया, लेकिन हम उसका करेंगे क्या? देखो सरीना, तुम्हें अमन चाहिए ना? तो जो हम करते हैं उसे तुम चुपचाप देखो और हमारी बात मानो। लेकिन मुझे करना क्या होगा? देखो, जैसे ही कमल यहाँ आती है, तुम्हें चुपचाप यहाँ से जाना होगा। और जाते ही अमन से ये कहना होगा कि जिस पार्टी में तुम कमल के साथ एंजॉय करने आए थे, वो कमल तो किसी और जगह ऋषि के साथ एंजॉय कर रही है, और वो भी इस पार्क। और जब ये बात अमन सुनेगा तो उसके दिल में कमल के लिए नफरत पैदा होगी। नफरत? It's very easy. Really? Of course, Sarina. You just wait and watch. अरे पहले कमल को तो आने दो। Bye guys. Bye. ये कमल कहाँ गई? Excuse me. चली गई। भाई साहब, तुम से बैकुंठ पार्क चलेंगे? कहाँ चली गई? भाई साहब, थोड़ा जल्दी। हाँ कमल, तुम हो कहाँ? अमन, अमन, माँ का बैकुंठ पार्क के पास बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। क्या? बहुत बड़ा एक्सीडेंट। मैं वहीं जा रही हूँ। अच्छा कमल, यू जस्ट रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। तुम ये बताओ तुम हो कहाँ, एंड आई एम कमिंग देयर। मैं बस उस दिन में पहुँचने वाली हूँ। मैडम, लेफ्ट या राइट? मुझे नहीं पता भाई साहब, आप किसी से पूछ लीजिए। अमन, अमन टैक्सी वाले को भी रास्ता नहीं मालूम है। अमन, अमन, प्लीज डू समथिंग। जस्ट रिलैक्स कमल, जस्ट रिलैक्स, आई विल बी देयर इन अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, तो वहीं रुकी रहो। ओके, बाय। एक मिनट, कौन पार्क के जाने? आप सीधा जाइए, वहां से फर्स्ट राइट। चलो भैया, चल। दिखा
ये बैकुंठ पार्क किधर है? कमल तुम यहाँ क्या कर रही हो? इनको भी बैकुंठ। हाँ कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ बैकुंठ पार्क। एंड देयर इज नो नीड टू पैनिक। हाँ पैनिक मत। हाँ हाँ मुझे पता। हाँ तुम बैठो तो नहीं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बता रहा हूँ। कमल आखिरी ये फोन पता नहीं, उसने बस इतना बताया कि माँ का एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा एक्सीडेंट। अच्छा नाउ प्लीज रिलैक्स कमल एंड स्टॉप क्राइंग। तुमने घर फोन किया? नहीं। हेलो आंटी जी, मैं अमन बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो। आंटी दरअसल कमल और मैं, हम दोनों पार्टी में जा रहे हैं ना, तो वहाँ काफी देर हो जाएगी, इसलिए कमल परेशान हो रही थी, कहीं आप लोग फिक्र ना करें। नहीं बेटा, उससे कहना फिक्र की कोई बात नहीं है, हमें तो मालूम है कि तुम उसके साथ हो। हेलो माँ। हाँ कमल, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, हम लोगों ने तो खाना भी खा लिया है, तू आराम से आना। अच्छा कमल, बच्चे तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अब क्या हुआ कमल, अब रोने का क्या फायदा? तुम्हारी बात तो हो गई है ना। लेकिन कमाल है, किसी ने भी बिना सर पैर का फोन किया और तुम ऐसे भागती भी चली गई। दिस इज नॉट डन, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, दिस इज रॉन्ग। मतलब कोई तो फायदा उठा सकता है तुम्हारी इस बात से। तो आखिर ये फोन हो किसका सर? ऋषि, कमल अभी तक नहीं आई, पार्टी हॉल से यहाँ तक आने के लिए सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, अब तो 1 घंटा बीत चुका है। सरीना जरा अपना फोन देना, मैं उन्हें फिर से ट्राई करूँ। अमन, अमन उसी नंबर से दोबारा फोन। लो मुझे तो। हाँ हेलो, हाँ हु इज दिस? क्यों यहाँ फोन करके झूठी खबर दे रहे हो? क्या हुआ ऋषि? धत तेरी की, काट दिया। अमन ने फोन उठाया यार। बड़े यार, प्लान बनाने वाले, सारा प्लान चौपट कर दिया। नहीं सरीना, प्लान तो हम चौपट नहीं होने देंगे। क्या मतलब? याद है उस दिन तुम्हारी मम्मी ने बियर बार डांसर्स की इस बेटी की वजह से हमें थप्पड़ मारा था? नाउ यू आर गोइंग टू पे फॉर दैट। क्या? हम बताते हैं, तुम्हारी मामा का किया अब तुम भुगतो। रबिश, व्हाट आर यू गाइस अप टू? रिलैक्स सरीना, कम ऑन, रिलैक्स, जस्ट लीव मी। ओके प्लीज लीव मी, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। चलो तुम्हें घर छोड़। Oh!
कमल तुमने क्या नंबर बताए थे जिससे फोन आया? 9214-20269 कमल ये सरीना का नंबर है।